हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे अतुल एक्सपेरिमेंट। तो आज हम बात करेंगे, ये स्ट्रेंजर की तरफ से है मिक्सर, जो कि काफ़ी पॉपुलर मिक्सर है और जो मतलब कम बजट में काफ़ी बढ़िया क्वालिटी चाहते हैं वो ये मिक्सर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका प्राइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में बने रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बाहर से इस तरीके से मॉडल है जो कि आपको दिख जाता है। ये 12 चैनल मिक्सर है, ठीक है। इसको कर लेते हैं अनबॉक्स जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर स्ट्रेंजर का जो टेप वगैरह होता है वो लगा होता है ऊपर से, ज़्यादा खास पैकिंग नहीं होती, नॉर्मल पैकिंग होती है। और ये मिक्सर जो है काफ़ी पॉपुलर मिक्सर है, काफ़ी लोग यूज करते हैं। कलकत्ता मॉडल मिक्सर होता है, कलकत्ता से आता है मतलब, ठीक है। ये 100% ओरिजिनल है, मैं ओरिजिनल की पहचान भी बताऊँगा यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको यूजर मैनुअल मिल जाता है, आपको यहाँ पर देख के स्ट्रेंजर का यहाँ पर साइन वगैरह सारा कुछ इसी में मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से, थोड़ा उल्टा था इसलिए मैंने सीधा किया इसको। तो यहाँ पर SM1200E इसका मॉडल नंबर है, SM800D थी, और ये सॉरी उल्टा है। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर कुछ यहाँ पर लिख के जाता है साउंड विद एक्सप्लेंट, यहाँ पर वार्निंग की कार्ड भी मिल जाता है आपको देखने के लिए, लेकिन वारंटी वगैरह मिलती नहीं है। लेकिन ये वारंटी कार्ड जैसे यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं आपको जो मिक्सर का अडेप्टर है, जो कि चार्जर है बोल सकते हैं आप, मतलब चार्जर नहीं सॉरी, यहाँ पर अडेप्टर ही बोला जाएगा। यहाँ पर 19 वोल्ट आउटपुट होता है इसका, ठीक है। 19 वोल्ट आउटपुट जो कि एम्पीयर इसमें शो नहीं किया हुआ है। इनपुट यहाँ पर 220 वोल्ट देना है आपको, 50 हर्ट्ज से लेके 19 वोल्ट देना है, ठीक है। और ये काफ़ी भारी है, कभी आधा आधा केजी वेट है इसमें। और यहाँ पर भी स्ट्रेंजर लिखा हुआ है इसके, और इसकी दोनों ही केबल इसमें इनपुट देना है और एक में आउटपुट आएगी, ठीक है। तो ये था इसका चार्जर मतलब अडेप्टर, ओके, 19 वोल्ट का। तो यहाँ पर हम मिक्सर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं सेटिंग भी बताऊँगा किस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, ठीक है, ताकि वॉल्यूम वगैरह सीटी वगैरह ना आए। तो यहाँ पर मैं लाइव मतलब चेक नहीं कर पाऊँगा एक्चुअल में, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिक्सर इसे पॉलीथीन में से निकाल लिया हमने। तो ये है मिक्सर हमारा जो कि 12 चैनल मिक्सर है, कुछ इस तरीके से इसका क्लोज लुक ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चैनल लेफ्ट राइट का इंडिकेटर लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर SM1200E लिखा हुआ है मॉडल नंबर। यहाँ पर हेडफोन लगा सकते हैं आप, यहाँ हेडफोन का वॉल्यूम दे रखा है, यहाँ पर लेफ्ट राइट यहाँ पर वॉल्यूम दे रखे हैं, इफेक्ट दे रखे हैं आपको। और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इको बैक कॉड टाइमिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 12 इनपुट माइक, यहाँ पर अनबैलेंस केबल ही लगेंगी जैसे कि आप देख सकते हैं, जितनी भी केबल लगेंगी यहाँ पर जो है जितनी भी केबल लगेंगी वो अनबैलेंस केबल है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये मास्टर, इसमें सिंपल क्या है, ये ऊपर वाला होता है गेन, ठीक है। यहाँ पर फेडर में देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर ये सब बहुत ही बढ़िया चलती है। यहाँ पर सेटिंग कुछ इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। बाकी सिंगर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा दीजिए। और पेन को यहाँ बीच बीच में रखिए 0 dB पे, और यहाँ पर आप जो है इफेक्ट अपने वहाँ से जो सेट किया है उसके हिसाब से आप इको वगैरह खोल सकते हैं सिंगर के हिसाब से। तो यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग थी, बेस में क्या होता है जैसे ही गद्दा चलता है तो उसमें लो मतलब आपको मिड हाई कम करना पड़ता है, बाकी सब आपको अपने हिसाब से देख लीजिए। इको बंद कर दीजिए। तो ये इसकी आउटपुट लेवल थी जो कि आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन लाइन यहाँ पर फ़ोन वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पर जो हो गया कुछ, यहाँ पर जो अडेप्टर है 19 वोल्ट का यहाँ पर लगाइए, यहाँ कस दीजिए बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हैं बारकोड वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगा। तो इसके प्राइस होगा आपको मैं बता दूँ, इसका प्राइस है 8800 से लेके 9000 तक, ओके। और इसकी MRP है, आप चाहें तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। थैंक